नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हंगामे में पीएफआई का कनेक्शन देखने को मिल रहा है, जहां आरोपियों के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की भी अब जांच चल रही है। तो कई खातों में लाखों रुपए के लेन देन का मामला भी सामने आया है। तो हिंसा और प्रदर्शन के लिए फंडिंग की आशंका इसमें जताई जा रही है। तो बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां पर सीए के विरोध में हुए हंगामे में पीएफआई का कनेक्शन साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और ऐसे में आरोपियों के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच की जा रही है, जिसमें कई खातों में लाखों रुपयों के लेन देन का मामला भी सामने आ रहा है। तो पीएफआई पहले से ही यहां पर लगातार आशंका के घेरे में है, और ऐसे में फंडिंग की बात भी यहां पर सामने आ रही है। तो सीए को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हमने दिसंबर के महीने में देखा था, और उस दौरान कई यहां पर मामले सामने आए थे कि पीएफआई के लोग ही कहीं ना कहीं इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में इस प्रदर्शन को फंडिंग की जा रही थी, और फंडिंग की आशंका के तहत ही पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश, जिसमें कई ऐसे मोबाइल नंबर, कई ऐसे खातों की जांच की जा रही है आरोपियों की, जिसमें कहा जा रहा है कि लाखों रुपयों के लेन देन का मामला भी जो है वो उजागर हो गया है। तो हिंसा और प्रदर्शन के लिए फंडिंग की आशंका, और इसी के तहत कार्रवाई लगातार फिलहाल जारी है। तो कानपुर से बड़ी खबर, सीएए और एनआरसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उस विरोध प्रदर्शन के बीच पीएफआई का जो कनेक्शन है उसके बीच कई इस तरह के मामले और सामने आ रहे हैं। कई इस तरह की कार्रवाई के दौरान चीजें सामने आए हैं, जिसमें सीधे तौर पर हिंसा और प्रदर्शन के लिए फंडिंग की आशंका पीएफआई के जरिए की गई है, ऐसी आशंका। और नीरज अवस्थी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या और अपडेट इस पर? देखिए ऋतु, आपको बता दूं, सीएम के प्रोग्राम से पहले जो केरल का चरम पति संगठन पावरफुल फ्रंट ऑफ इंडिया, उसमें काफी सारे नंबर पता लगे गए, जिनकी जांच की जा रही, कई बार बातचीत हुई है, कई ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, उसकी बातचीत की जा रही है। ये भी पता करना है कि जो खातों की डिटेल चेक की गई, लाखों रुपए रुपए की जांच की जा रही, ऐसी अपेक्षा बताई जा रही थी। जो कानपुर में हिंसा हुई, भगवान की और जो प्रश्न लगा कर चल रहे, उसके लिए धन्यवाद आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर से यहां पर बड़ी खबर, जहां सीए और एनआरसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उस बीच खबर की पीएफआई को लेकर जो जांच फिलहाल की जा रही है, उसमें फंडिंग की बात फिलहाल सामने आई है, फंडिंग की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कई ऐसे मोबाइल नंबर और कई ऐसे बैंक खातों की जांच की गई है, जिसमें लाखों रुपयों का लेन देन सामने आया है। तो इसी के तहत पीएफआई पर और भी शिकंजा घराता चला जा रहा है, फंडिंग की आशंका इसमें जताई गई है। तो नंबरों की, मोबाइल नंबर्स की, और उसके साथ ही बैंक खातों की जांच की जा रही है। हालांकि पहले ही यहां पर कहा जा रहा था कि लेन देन का मामला इसमें साफ तौर पर सामने आया है, और फंडिंग की जा रही है विरोध प्रदर्शन को और उग्र करने के लिए, और ऐसे में पीएफआई का कनेक्शन सामने आने के बाद आरोपियों के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच की जा रही है।